hello students i am agrati chhabasta wear assistant professor in the Ayal group of institution today we are going to start a new topic of subject financial services your topic is the scope of financial services स्कोप ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज हम लोगों ने फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में पढ़ा था वॉट आर फाइनेंशियल सर्विसेज तो फाइनेंशियल सर्विसेज क्या है जो मोबिलाइजिंग और एलोकेटिंग का वर्क करती हैं किन चीज़ों का सेविंग्स का जो आपकी सेविंग होती है उनका मोबिलाइजिंग और एलोकेटिंग फाइनेंशियल सर्विसेज के थ्रू किया जाता है नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द स्कोप ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज तो स्कोप ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज दो कैटेगरीज में डिवाइड है एक है आपका ट्रेडिशनल अप्रोच है जिसमें ट्रेडिशनल एक्टिविटीज आती है सेकेंड वन इज मॉडर्न एक्टिविटीज जो आपकी ट्रेडिशनल एक्टिविटीज है उसमें भी आपके टू पार्ट्स आते हैं नंबर वन इज फंड बेस्ड और नंबर टू नॉन फंड बेस्ड तो आज हम इन्हीं को डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में सो फर्स्टली आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम ट्रेडिशनल एक्टिविटी वॉट आर ट्रेडिशनल एक्टिविटी ट्रेडिशनल एक्टिविटीज जो होती है वो टोटली totally कैपिटल और मनी मार्केट एक्टिविटीज होती हैं डेफिनेशन ट्रेडिशनली द फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज़ हैव बीन रेंडरिंग अ वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज इनकम पासिंग बोथ कैपिटल एंड मनी मार्केट एक्टिविटीज दे कैन ग्रोप अंडर टू हेड्स मैंने बताया फंड बेस्ड एंड नॉन फंड बेस्ड तो जो फंड बेस्ड एक्टिविटीज होती हैं वो किस टाइप की आपको सर्विसेज देती हैं नाम से पता चल रहा है वो एक्टिविटीज पूरी फंड बेस्ड होगी जिसमें सिक्योरिटीज और जो अपने भी डेवेंचर्स और शेयर्स होते हैं उनके बारे में आपको पता चलेगा तो किस टाइप की ट्रेडिशनल सर्विसेज हमें मिलती हैं फंड बेस्ड में नंबर वन है अंडर और इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स डेवेंचर्स बॉन्ड्स एक्सेट्रा ऑफ न्यू इश्यूज जितनी भी अंडर और इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ हैं जिसमें आपके जो डेवेंचर्स हैं शेयर्स हैं बॉन्ड्स हैं ये सब आते हैं ये सब आपको फंड बेस्ड एक्टिविटीज़ में मिलती हैं नंबर टू है डीलिंग विद सेकेंडरी मार्केट एक्टिविटी देखिए सेकेंडरी मार्केट एक्टिविटीज का मतलब है जहां पे जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो सेलिंग एंड बाइंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं इन्वेस्टर्स मेनली तो उनको आप जब मेनली जो बोलेंगे वो दैट इज सेकेंडरी मार्केट एक्टिविटीज हो जाती है नंबर थर्ड है पार्टिसिपेटिंग इन मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं कॉमर्शियल पेपर्स ट्रेजरी बिल्स ये सब आपके मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में आते हैं तो जो आपकी फंड बेस्ड एक्टिविटी है उसी के इन उसी के आपके अंडर में ये पार्टिसिपेटिंग इन मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट भी आते हैं नेक्स्ट है इन्वॉल्विंग इन इक्विपमेंट लीजिंग हायर पॉचेस वेंचर वेंचर कैपिटल सीड कैपिटल एक्सेट्रा इसमें जैसे आपको पता होगा जो अकाउंटिंग टर्म्स है हमारे जिसमें लीज के बारे में आपने सुना होगा तो जो फंड बेस्ड एक्टिविटी है वो जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं उनकी लीजिंग हायर जितना भी हायर परचेज है ये सब भी फंड बेस्ड एक्टिविटी के अंडर ही आता है लास्ट है डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एक्टिविटी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एक्टिविटीज जितनी भी होती है भाई जितना भी फॉरेन एक्सचेंज के बारे में हमने पढ़ा था कि फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है जिसमें हम फॉरेन जो फॉरेन फाइनेंशियल सर्विसेज होती हैं उनके इंटरनल्स हम वर्क करते हैं उन्हीं के रूल्स पर भी वर्क करते हैं तो जितनी भी वो फॉरन एक्सचेंज मार्केट एक्टिविटीज होती हैं वो भी फंड बेस्ड एक्टिविटी के अंडर ही आती हैं नेक्स्ट हम uh, जाते हैं जो आपका नेक्स्ट है पहला हमने बताया जो डिस्कस किया दैट वॉज फंड बेस्ड एक्टिविटी अब हम जा रहे हैं नॉन फंड बेस्ड एक्टिविटी ये जो आपका नॉन फंड बेस्ड एक्टिविटी है ये बेसिकली फी बेस्ड एक्टिविटी है फी बेस्ड का मतलब आपने जो फी पे करनी है उसके बदले में आपको फाइनेंशियल सर्विसेज मिलनी है तो दैट्स वाई हम इसको बेसिकली फी बेस्ड एक्टिविटी भी कहते हैं फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स प्रोवाइड सर्विसेज बेस्ड ऑन नॉन फंड एक्टिविटीज ऑल्सो This can call fee based activity. टुडे कस्टमर्स वेदर इंडिविजुअल और कॉर्पोरेट नॉट सेटिस्फाई देखिए आपने देखा होगा कि आज हमारे जो कस्टमर्स हैं या बिजनेसमैन है या इंडिविजुअल है, है कोई भी अपना स्टार्टअप कर रहा है तो वो बेसिकली uh, वो फ़ंड बेस्ड एक्टिविटीज़ जो होती है उनसे सैटिस्फाई नहीं होते उनको कहीं ना कहीं डाउट रहता है फ्यूचर टर्म्स को लेकर सो दैट्स बाय वो इस पर बहुत ज़्यादा जो हमारा वर्क है ये नॉन फंड बेस्ड वाला जो वर्क है ये थोड़ा करेंटली होता है तो वो इस, इसको ज़्यादा थोड़ा सा रेफर करते हैं और आज के टाइम में ये बहुत आप देख भी रहे होंगे कि बहुत ज्यादा चल रही है तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे ये कौन कौन से टर्म्स पे वर्क करते हैं तो सबसे पहला है इनका मैनेजिंग द कैपिटल इशू कैपिटल इशू को मैनेज करना ये कैसे मैनेज करते हैं जो एस सी की गाइडलाइन है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया उनकी गाइडलाइन पर ये वर्क करते हैं तो ये जितना भी कैपिटल इशू मैनेजमेंट होता है उसको देखें अब इसमें क्या है मैनेजमेंट ऑफ प्री इशू एंड पोस्ट इशू एक्टिविटी दोनों टाइप ऑफ एक्टिविटी को मैनेज किया जाता है इसके थ्रू नेक्स्ट है मेकिंग अरेंजमेंट फॉर द प्लेसमेंट ऑफ कैपिटल एंड डेब्ट इंस्ट्रूमेंट दोनों का अरेंजमेंट करना जो आपका कैपिटल है उसका प्लेसमेंट और डेप्ट इंस्ट्रूमेंट दोनों को अरेंजमेंट का जो सर्विसेज है फाइनेंशियल सर्विसेज है वो भी नॉन फंड बेस्ड होता है थर्ड है द अरेंजमेंट ऑफ फंड्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर द क्लाइंट्स प्रोजेक्ट कॉस्ट जो भी आपका फंड है जो भी आपने लगाया है वो आप का जो पूरा फंड है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के थ्रू क्लाइंट को जो कॉस्ट पड़ रही है वो सब मैनेज करना ये भी नॉन फंड बेस्ड एक्टिविटीज़ में आता है असिस्टिंग इन द प्रोसेस ऑफ गेटिंग ऑल गवर्नमेंट एंड अदर क्लियरेंसेज जितने भी गवर्नमेंट क्लियरेंसेज हैं उसमें भी यही कैटेगरी uh, आपकी असिस्ट करती है दैट इज नॉन फंड बेस्ड नेक्स्ट हम अप्रोच करेंगे मॉडर्न एक्टिविटीज की तरफ ये हमारी ट्रेडिशनल एक्टिविटीज थी जो बहुत पहले से फॉलो होती आ रही हैं और अभी भी हो रही हैं मॉडर्न एक्टिविटी क्या है बेसिकली ये नॉन फंड बेस्ड है आजकल मैक्सिमम नॉन फंड बेस्ड है जो फी बेस्ड है आप देख रहे हैं फी बेस्ड एक्टिविटी सबसे ज़्यादा पॉपुलर है और इसी को मॉडर्न एक्टिविटीज भी कहा जाता है मैक्सिमम आप देखेंगे मॉडर्न एक्टिविटी के अंडर नॉन फंड वाली आती है तो बिसाइड्स द बिसाइड ट्रेडिशनल अप्रोच द फाइनेंशियल रेंडर इंटरमीडियरबल सर्विसेज इन रीसेंट टाइम मोस्ट ऑफ देम आर लाइक नॉन फंड बेस्ड एक्टिविटीज देखिए इसलिए भी है क्योंकि जो आपकी एक्टिविटीज हैं वो न्यू प्रोडक्ट बेस्ड है मतलब आज के टाइम में मॉडर्न टाइम में जो जितनी भी आप देख रहे होंगे फाइनेंशियल टर्म्स आ रही हैं वो सारी फाइनेंशियल सर्विसेज अगर आप ट्रेडिशनल अप्रोच के थ्रू फॉलो करते हैं तो वो आपको वो अप्रोच नहीं दे पाती हैं जो आपको चाहिए और फी फंड बेस में क्या होता है आपको डायरेक्ट उसी के थ्रू मिल जाता है और आप मतलब तुरंत ही चीज़ों को अप्रोच कर पाते हैं इसलिए मॉडर्न एक्टिविटीज़ है और इसको हम न्यू फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज़ के नाम से भी बोलते हैं ये जो आपका मॉडर्न एक्टिविटी है इसमें कौन कौन से प, आ, असिस्टेंट जो आपको किए जाते हैं मॉडर्न एक्टिविटीज के थ्रू सो नंबर वन इज रेंडरिंग प्रोजेक्ट एडवाइजरी सर्विसेज जितनी भी प्रोजेक्ट एडवाइजरी सर्विसेज हैं वो आपको मॉडर्न एक्टिविटी में मिलती हैं प्लानिंग फॉर मर्जर्स एन एक्वेशन मर्जर और एक्वेश का मतलब क्या है जितनी भी मर्जर्स हैं कंपनीज के या सर्विसेज के वो और एक्वेशन मतलब जो भी आपकी कंपनी का टारगेट है एज अ फाइनेंशियल सर्विसेज वो अचीव करने में ये असिस्ट करती है मॉडर्न एक्टिविटी नंबर थर्ड गाइडिंग कॉरपोरेट कस्टमर्स कॉरपोरेट कस्टमर्स को उनकी बिजनेस प्लानिंग में हेल्प करना नंबर फोर्थ एक्टिंग एज ट्रस्टीज एज अ ट्रस्टीज भी ये वर्क करते हैं जो आपकी मॉडर्न एक्टिविटीज है इसमें एज अ ट्रस्टी भी आपको बहुत हेल्प मिलती है या एज अ ट्रस्टी भी आप इसमें परफॉर्म किया जाता है ना नंबर फिफ्थ recommending suitable changes in the management structure and management style to achieve better result. देखिए जो management structure है वो हर बार traditional approach follow नहीं कर सकता और modern activity जो है वो आपकी non fund based activity है और maximum modern activities को हम follow भी कर रहे हैं तो हर बार जो changes होते हैं वो changes को rendering करना भी modern activities में ही आता है इसमें ये पूरा आपका management structure और management style को assist किया जाता है नंबर सिक्स स्ट्रक्चरिंग द फाइनेंशियल कॉलोबोशन ज्वाइंट वेंचर बाय आइडेंटिफाइंग सुटेबल ज्वाइंट वेंचर पार्टनर यहाँ पे जो ज्वाइंट वेंचर एग्रीमेंट्स होते हैं वो प्रिपेयर किए जाते हैं इससे आपका जो फाइनेंशियल एक कॉलबोरेशन होता है जो भी फाइनेंशियल कॉलबोरेशन बनता है उसका एक स्ट्रक्चर प्रोग्राम आपके सामने आता है सो क्लास टूडे वी हैव डिस्कस्ड की हाउ फाइनेंशियल सर्विसेज आर वर्किंग इन आर लिवस एंड असिस्टिंग इन फाइनेंशियल सर्विसेज You, we today we have discussed how modern approach activities and traditional approach also giving services to us. So in the next lecture we will go through the next topic of financial services. Thank you so much class. See you soon in the next lecture. Keep learning.